नमस्कार सर। सतसाहिब सर। सर क्या नाम है आपका? जगदीश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव सोहापुर, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 अगस्त 2011 को। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं फौजी रिटायर हूँ, जमींदारा करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हनुमान जी का पुजारा था और शंकर भगवान का भी, कावड़ जाता था। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं, मेरे को ज्ञानगंगा किताब मिली थी सर, मैं 8 का पेशेंट था, बहुत परेशान था। मैंने मालिक की किताब पढ़ी संत रामपाल जी महाराज की, तो मैं वहाँ से सब नाम दीक्षा ले जा करके बरवाड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए सर। मेरे 2009 में हार्ट के प्रॉब्लम हुई, मैंने डॉक्टर कमल को नारनौल दिखाया, इन्होंने मेरे बेस हॉस्पिटल दिल्ली फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ से मेरे को हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में रेफर कर दिया गया बेस से, वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। वहाँ ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने यह कह दिया कि भाई आप जियो इस दिन गोली खानी है। सर मैं ECS में गोली लेने आता था, तो मेरे को 9 गोली एक टाइम की देते थे, तो सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है, तो मैं तो इतनी रोटी भी नहीं खाता था। जब मैं बोले ये तो परेशानी है, फिर मेरे को सब ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। जब मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में गया, तो उस दिन के बाद मैं कोई भी हार्ट की गोली नहीं खाता हूँ एक भी, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ पर, और कोई परेशानी नहीं है। सर मैं गुरु जी देह धाम जाने के बाद मेरा नाम खंड हो गया था, फिर मैंने बीमार हो गया, मेरे बाएँ कुल्ले की 3 इंच नस बंद है। तो सर डॉक्टरों ने लड़का बंगलोर ले गया, वहाँ बोला कि भाई आपका ऑपरेशन होगा, सक्सेस हो ना हो ये कोई जवाबदारी नहीं। सर मैं लड़के को बोला भाई मेरे को तो घर भेज दे, मैं घर आ गया। फिर सब कहीं नामदान केंद्र नहीं है, नाम शुद्ध कहाँ कराएं। जब साहब मेरे को पता चल पाया नामदान केंद्र खुल गया, मैं वहाँ गया। मैं पेशी पर जा नहीं सकता क्योंकि मेरे चला ही नहीं जाता है, तो मालिक की दया हुई कि भगत जी से बातचीत हुई, उन्होंने बोला भाई अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आ जा। तो मैं लेकर गया, उन्होंने नाम शुद्ध कर दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, ना मेरी ये नस बंद है, ना मेरा कोई तकलीफ है इसमें, और महाराज से दया से खूब अच्छी तरह घूमता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। और मैं अपनी रिपोर्टें सारी साल लिया, हार्ट की भी और ये नस बंद थी ये भी, सारी रिपोर्ट मेरे पास है, किसी भाई को सको कभी मेरे घर आकर के देख सकता है मेरी रिपोर्टें। ये जो मेरा हार्ट का ऑपरेशन दिल्ली हुआ था, ये मेरी रिपोर्टें हैं, और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपको जिंदगी भर जियोगे तब तक गोली खानी है। पर मेरे को संत रामपाल जी महाराज के शरण मिलने के बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई, ना मेरे कोई तकलीफ है, और मेरे को अभी कोई कहे ना कि बात चले सत्संग में, मैं पैदल चला जाता हूँ। ये मेरी रिपोर्ट है, बाएं पैर के नस बंद है मेरी कुल्ले की, ये इसकी रिपोर्ट है, ये इसमें देख लो, आप सभी देख सकते हैं भाई कि ये मेरा बंद है नस, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था ऑपरेशन होगा तो भी ये सक्सेस नहीं हो सकता। मैंने बच्चे से कहा कि भाई मेरे को वापस घर भेज दे, मैं आया और मैंने अपना नामदान केंद्र अलवर खुल चुका था, मैं वहाँ पर अपना नामदान शुद्ध करा करके आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हूँ। और जब अभी लाभ हुआ ताज़ा, अभी तो 8 जुलाई की बात है, मेरी पीठ में इतना मोटा फोड़ा हो गया था, सभी भाई देख सकते हैं, और मैं भाई भक्तों को दिखाया भी सत्संग में, और मैं मालिक से बंगलोर, मेरे पास मेरा फ़ोन काम नहीं करता है, मैंने ट्रेन में मालिक की, मेरे पास जीने की राह पुस्तक थी संत रामपाल जी महाराज की, मैंने उसको दंडोत प्रणाम करके और मालिक से प्रार्थना करी, मालिक ये क्या हो गया आपके भगत को रात को, और आज वो 3 दिन के अंदर समाप्त हो गई संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मेरी आर्थिक समस्या ये थी कि मैं पेंशनर आदमी था, और मेरा लड़का फौज में था, और मैं पेंशन लाता था वो महीने भर नहीं चलती थी, बीमारियों का गोली खाता था, कहीं जाता था, और मैं नशा भी करता था, दारू पीता था, बीड़ी पीता था, 4-4 बंडल बीड़ी के। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा कोई भी नशा या कोई भी तकलीफ कुछ नहीं है, मालिक सब संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अभी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बहन भाइयों से, जो भी भगत भाई है उनसे तो प्रार्थना कर सकता हूँ, और जो भी जगत का भाई है, जो भी आज मेरे को देख रहा है, मैं इतना तकलीफ में था जो कि मेरे को कोई जीने की आशा नहीं थी कि मैं जीऊँगा, और मैं आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आपके सामने खड़ा हूँ।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर साधना चैनल और अनेक चैनल पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज के आते हैं, उन पर नीचे पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे संपर्क करके अपना नज़दीकी नामदान केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग